नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीएमबी विद्या चैनल में। आपके साथ मैं हूं मुक्ता कांडियाल और आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव इंटरैक्टिव सेशन। और हम हाजिर है आज साइंस की इस क्लास लेकर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पिछले दो टॉपिक का ही कंटिन्यूएशन है। आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पार्ट 3। और इसे पढ़ाने के लिए जो एक्सपर्ट आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देना चाहती हूँ। आज के हमारे एक्सपर्ट है डॉक्टर रविजोत संधु, मैम इस पीजीटी केमिस्ट्री एट नवयुग स्कूल लक्ष्मीबाई नगर दिल्ली। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो हमारे सत्र में। और आज का हमारा ये सेशन, आज का हमारा ये टॉपिक कक्षा 10 की छात्रों के लिए है। तो हमारा ये जो कार्यक्रम है पीएम विद्या के चैनल नंबर 10 पर लाइव प्रसारित हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी तरह का प्रश्न हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो इस टॉपिक के लिए, तो आप जरूर हमें फोन करके पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8800440559। आप चाहें तो ईमेल के द्वारा भी हमारे साथ जुड़कर अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class10@cit.nic.in। तो चलिए आज का हम ये सत्र शुरू करते हैं। मैं सीधे मैम की तरफ रुख करती हूँ। मैम, आज का हम ये सेशन स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले अगर मुझे जितना याद है कि आपने जो हमारा जो लास्ट सेशन था उसको हमने इस नोट पर छोड़ा था कि आपने एक एक्टिविटी हमारे स्टूडेंट्स को दी थी एज ए होमवर्क करने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उस एक्टिविटी का आप सोल्यूशन बताते हुए, सही आंसर बताते हुए हम आज के इस सेशन की शुरुआत करें। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, जो मेरे कुलीग्स हैं, टीचर एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। जहाँ पे हमने छोड़ा था पिछला सत्र, हम लोग जो है ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कर रहे थे। तो उसमें हम लोग ने ये देख लिया था कि एज वी गो डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट्स, जो एटम्स हैं वो बढ़ता है, क्योंकि वन शेल वॉज इंक्रीजिंग। और वहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि इफ वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैंड साइड देन व्हाट विल हैपन टू द एटॉमिक साइज। तो बच्चों, यहाँ है आपका सोल्यूशन मेरे सामने जो है। मैं यहाँ पे आपको ये पीरियोडिक जो है आप देख रहे हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, तो ये हमारा जो है वो पीरियड है। और इसमें हम देखते हैं कि लेफ्ट से राइट जाते समय क्या होता है। तो लिथियम का अगर हम बात करें तो लिथियम में देखिए, जैसे आप देख रहे हैं 2-1 एटॉमिक नंबर 3 होता है, प्रोटॉन्स 3 है, इलेक्ट्रॉन्स 3 है, और जैसे कि यहाँ पे 3 एटम्स दिखाए हुए हैं। वैसे ही बेरिलियम में करेंगे तो एक एटम और ऐड हो जाता है यदि बेरिलियम का हम लोग करें, तो इस तरीके से कुछ हो जाएगा। तो बेरिलियम है, आप लोग लिख भी सकते हैं, एल शेल में बढ़ोतरी हो गई है एक इलेक्ट्रॉन की, दैट मीन्स यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स हो गए हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। अब बोरॉन में बढ़ते हैं आगे, एटॉमिक नंबर हो गया 5, तो एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बोरॉन है, इसमें एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और अंदर जो न्यूक्लियस है उसमें 5 प्रोटॉन्स और 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसी तरीके से अगर हम कार्बन की तरफ जाएं तो क्या आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं यहाँ पे? सो यहाँ पे अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो बच्चे जो है, एक तो मेरा ये मकसद रहता है कि ये क्ले से खुद बच्चे बनाएं और बनाते बनाते जो है खेल खेल में ही वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन है यहाँ पे 2 and 4, दैट मीन्स कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे जैसे हम दाएं से, यहाँ से बाएं से दाएं की तरफ बढ़ रहे हैं, कार्बन तक हम पहुंच गए हैं, यहां तक मैंने खत्म किया था वो, तो हमारा जो है चार्जेस भी बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन्स हमारा बढ़ रहा है। अब आगे अगर हम नाइट्रोजन पे चलें तो नाइट्रोजन में 2 और 5, क्योंकि 7 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन में, 2, 5 एटॉमिक नंबर होता है 7, तो यूं हो गया, तो इसमें भी प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ गई। तो यहीं पे ये ध्यान देने वाली बात है कि किस तरीके से अब नाइट्रोजन के बाद क्या आ गया, ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का देख लेते हैं, यहाँ पे 2 and 6, क्योंकि 8 है एटॉमिक नंबर, 8 प्रोटॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे आपने लगा दिया, एक और बढ़ोतरी कर ली हमने, 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में लगा दिए, ठीक है। और अब ये है हमारा फ्लोरीन, सो फ्लोरीन में फ्लोरीन का है हमारा 2 and 7, बिकॉज 9 इज द एटॉमिक नंबर, एंड यहाँ पे हम चलिए एक ऐड कर देते हैं, तो टोटल बाहर वाले में कितने हो गए हमारे, 7 हो गए। तो जब बच्चे ये लोग करते हैं अपने आप, तो कुछ गलत करते हैं, कुछ सही करते हैं, और खेल खेल में वो सीख जाते हैं, तो यहाँ पे हो गए 9 प्रोटॉन्स और 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैंड साइड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग, इवन द प्रोटॉन्स आर इंक्रीजिंग, दैट मीन्स न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। सो जैसे जैसे एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अराउंड द
यू कैन से द न्यूक्लियस जो हमारा यहाँ पे एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, तो ये जो बाहर जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि इंक्रीज हो गया है तो ये बाहर वाले शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धीरे धीरे अपनी तरफ जो है वो खींचना शुरू कर देगा. सो द एटॉमिक साइज विल डिक्रीज एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैंड साइड. तो ये तो आप लोग ने अच्छे से समझ लिया होगा कि एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैंड साइड वाई द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस. एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, बिकॉज जो हम लोग एज वी गो डाउन द ग्रुप, सो वॉट वॉज हैपनिंग, द एटॉमिक साइज वॉज इंक्रीजिंग बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स वर इंक्रीजिंग, राइट. अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस सत्र में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जो है, जो मेरे लिए ये टॉपिक बहुत ही प्यारा है क्योंकि इसके ऊपर हमने बहुत सारा काम किया हुआ है. बच्चे जो है मेरे साथ मिलकर उन्होंने यूजली जो है ये देखिए, जो पिछली बार मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक दिखाया था 2D पीरियोडिक टेबल, राइट. ये देखिए ये हमारा है पीरियोडिक टेबल. तो ये हमारा 2D पीरियोडिक टेबल है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारे 18 जो है ग्रुप नंबर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, राइट. और उसी तरीके से 7 पीरियड्स हैं. अब ये जो 2D पीरियोडिक टेबल है इसको परिवर्तित कर दिया मेरे साथ मेरे बच्चों ने मिलकर 3D में. सो ये जो 3D पीरियोडिक टेबल है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स इनको जो है हमने यहाँ पे 3D में लगा दिया है. उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे ध्यान दें थोड़ा सा यहाँ पे 3D की तरफ, अगर टेबल की तरफ यहाँ पे नजर दौड़ाएं, या सो ये वाला जो है हमारा अल्कली मेटल का जो है ग्रुप वो इस तरीके से हमने बनाया है. उसके बगल में हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ गया बेरिलियम, और ये बीच में जो हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स हमारे हो गए. 3 ट्रांजिशन यहाँ पे 10 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये हमारे हो गए ट्रांजिशन मेटल्स. माफी चाहूंगी. बिल्कुल मैम. और हाँ. जैसे कि हमारे दर्शक देख भी पा रहे होंगे 2D पीरियोडिक टेबल तो हमने बहुत बार देखा है, पढ़ा है, बच्चों ने पढ़ा भी है, लेकिन आज की हमारी इस क्लासरूम में मैम एक बहुत ही अलग 3D मॉडल लेके आई है पीरियोडिक टेबल का. तो लगातार जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पिछले 2 सेशन इस टॉपिक पर हो चुके, आज हमारा 3rd हम इस पर पार्ट कवर करें. तो अगर किसी भी तरह का प्रश्न, मैं आपसे दोबारा कहना चाहूंगी, किसी भी तरह का आपका प्रश्न हो इस सत्र को लेकर, इस विषय को लेकर, तो आप जरूर हमें फोन करके पूछ सकते हैं. एक बार फिर से मैं आपको फोन नंबर हमारा बता दूं, हमारा फोन नंबर है 8800440559. तो चलिए सीधे मैम अब वापस से मैम की तरफ बढ़ते हैं और मैम से पूछते हैं कि मैम आप कंटिन्यू करिए कि क्या 3D पीरियोडिक टेबल आज हमारे स्टूडेंट्स में आप इसे किस अलग तरीके से पढ़ाएंगे. सो ये जो सारा जो 2D पीरियोडिक टेबल है इसको जो है वो 3D में परिवर्तित कर दिया और बच्चों ने मिलकर क्या किया कि ऐसे ग्रुप स्टिक्स बनाई. जैसे ये हमारा है फर्स्ट ग्रुप का, तो अलग अलग बच्चे जो है वो अलग अलग ग्रुप स्टिक्स, अब ये जो है बहुत तरीके से बनाया गया. आसपास के जो भी उपलब्ध सामान है वो क्ले को का इस्तेमाल किया गया, पेपर मैशी बॉल्स का इस्तेमाल किया गया. जैसे कि देख रहे हैं बच्चे ने तो पेंसिल में ही यहाँ लगा दिया, यहाँ पे जो खत्म हो गई थी रिफिल उसका भी इस्तेमाल किया गया है, या झाड़ू की जो है स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इसमें जो भी लोकल वॉट एवर इज अवेलेबल उसका इस्तेमाल करते हुए जो ये नीचे के बॉक्सेस हैं वो बिल्कुल जो डब्बा है हमारा कार्डबोर्ड, हाँ, उसी को कलर करके जो है ये 3D पीरियोडिक टेबल बनाया गया है. तो इसमें जो है लास्ट में ये जो नोबल गैसेस हैं उसके बगल में ये हैलोजन फैमिली दिखाई गई है, ठीक है. और हैलोजन फैमिली के बगल में ऑक्सीजन फैमिली है, उसके बगल में ये नाइट्रोजन फैमिली है, देन कार्बन फैमिली एंड बोरॉन फैमिली. सो ये हमारा 2D पीरियोडिक टेबल जब ऐसे उभर कर आता है तो जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो भी छू कर महसूस कर लेते हैं कि अच्छा इस तरीके से सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अरेंज्ड हैं. तो इससे ही हम लोग ने आगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी. तो जैसे कि अभी हमने एटॉमिक साइज के बारे में जिक्र किया, तो गोइंग डाउन द ग्रुप एज यू कैन सी इन दिस ग्रुप स्टिक जो एटॉमिक साइज है ये बढ़ता हुआ भी बच्चों को नजर आएगा कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ रहे हैं तो एक एक शेल क्योंकि बढ़ता जाता है, सो एटॉमिक साइज इज
इंक्रीजिंग, तो ये छू कर भी इसका जो है वो पता लगा लेते हैं। तो इस तरीके से ग्रुप स्टिक्स बनाई गई, जब एक टीम वर्क होता है उन्होंने बहुत सारी ग्रुप स्टिक्स बना ली और फिर उसको इस तरीके से वो अरेंज कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका था मैम, ये आपने जो 3D मॉडल बनाया पीरियोडिक टेबल का, मैं समझती हूँ ना सिर्फ इन्फॉर्मेटिव है, जैसे कि आपने बताया चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए, तो ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है इस कॉन्सेप्ट को समझने का। तो मैम क्योंकि ये इतना अच्छा आइडिया है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपको ये आइडिया आया कैसे, ये 3D पीरियोडिक टेबल को इस तरह मतलब 3D मॉडल में रिप्रेजेंट करने के लिए? ये एक्चुअली बहुत साल पहले की बात है, मेरी क्लास में एक विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड था रामजतन, आज की डेट में तो वो BEd कर रहे हैं CI से। तो उन्होंने मुझसे जब प्रश्न किया कि किस तरीके से ये एलिमेंट्स हैं और कैसे अरेंज होते हैं, क्या मैं कभी इसको महसूस कर पाऊंगा, तो तब मेरे मन में ये बात आई और ख्याल आया कि क्यों ना उसको कुछ ऐसे महसूस कराया जाए। तो तब से ही इस पर थोड़ा थोड़ा मैं काम करने लगी और फिर इसको मैंने ह्यूमन चेन के द्वारा कि मतलब हर एक बच्चे को एक एक एलिमेंट बना दिया, और जैसे ग्रुप वन में बच्चे जो है लाइन वाइज ऐसे अरेंज हो जाते थे मेरी क्लास में, तो उस तरीके से पूरा जो है ग्राउंड में एक ह्यूमन चेन के द्वारा जो है वो मैंने बहुत पीरियोडिक टेबल बनाया। आपने बच्चों ने आई थिंक लास्ट सेशन में आपने एग्जांपल भी दिया था कि बच्चों किस तरह से वो याद रह पाया। यस, हाँ, वो रोल नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, बिल्कुल। तो वहां से फिर ये 3D पीरियोडिक टेबल का जो है आइडिया आया। तो अब थोड़ा सा हम लोग ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाते हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ अगर 2D में देखें तो यू हैव दीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव मेटल्स, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये मेटल्स हैं। ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास नॉन मेटल्स हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, सल्फर है। तो बच्चों को जो हम इस तरीके से दिखाते हैं तो यहाँ पे जो zigzag लाइन है वो डिफ्रेंशिएट करती है पीरियोडिक टेबल में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। तो उसी तरीके से 3D पीरियोडिक टेबल में भी ये जो हमने बीच में ये पिंक लगाए हैं तो बच्चे डिफरेंट डिफरेंट कलर के बीड्स लगा के बता देते हैं कि इस तरफ के जो है हमारे मेटल्स हैं और ये इस तरीके के हमारे इधर नॉन मेटल्स हैं। अब जो यहाँ पे गुलाबी रंग के आप देख रहे हैं गोले, ये जो है दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और इनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स। तो जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेरिलियम है एंड पोलोनियम है। अब ये तो हमने पता लगा लिया कि ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, लेकिन अब बच्चों के आगे एक सवाल आता है कि कैसे ये जाने कि जो ऊपर वाला है वो अच्छा मेटल है या जो नीचे की ओर है वो ज़्यादा अच्छा मेटल है, या अगर इस तरफ नॉन मेटल्स हैं तो नॉन मेटल में नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी किसकी ज़्यादा है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हाँ एक और मैं साइंस गेम लाई हूँ, कई बार बच्चों को जो है मेटलॉइड और नॉन मेटल के बीच में गेम अगर आपको खिलाना है तो यहाँ पे इस तरीके से हम वेन डायग्राम बना सकते हैं। वेन डायग्राम में थोड़ा सा मैथ्स भी आ जाएगी और ये देखिए ढक्कन के ऊपर ही जो है कुछ मैंने ऐसे नाम लिख लिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसमें दो टीम्स बच्चों को पेयर अप कर दीजिए, टीम्स बनवा दीजिए और फटाफट जो है बच्चे जो है उनके सामने ये जो रखे होंगे सो दे विल हैव टू चूज कि किसको हम मेटल में भेजें, ठीक है ना, फटाफट मेटल में, किसको हम जो है नॉन मेटल में भेजना है, ये हमारा मेटलॉइड है। तो इस तरीके से वो ये साइंस गेम खेल सकते हैं। यदि ये आपके पास नहीं है तो हम बच्चों को बोल सकते हैं कि आप जो है लिख दीजिए जितने भी आपको मेटल्स याद आ रहे हैं, नॉन मेटल्स याद आ रहे हैं या मेटलॉइड है, तो उनको आप वेन डायग्राम में लिखिए और जो फटाफट 10 सेकंड में ज़्यादा लिख लेगा उसको आप विनर घोषित कर दीजिए। तो इस तरीके से अपना थोड़ा सा जो है हम अगर इंटरेस्टिंग बनाएं तो बच्चे जो है बहुत अच्छे से याद करते हैं। तो हाँ अब मेटल मेटालिक और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए उसमें देखिए अगर हम लोग जो है हमने लिया सोडियम, ठीक है, सोडियम का जो मैंने जिक्र किया था, सोडियम मैं यहाँ से थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ। तो लगातार मैम हमारे यहाँ पे इतने सारे एलिमेंट्स मैम ने हमारे इस क्लासरूम में इंक्लूड करे हैं ताकि आपको जो भी ये जो टॉपिक है आज हमारा पीरियोडिक, हाँ, जो ताकि आपको डिटेल में समझ आए। और मैम समझती हूँ एक और फिर से एक एक्टिविटी के साथ यहाँ पर आ गई है तो मैम की तरफ रुक करते हैं, मैम से पूछते हैं क्या अब नई एक्टिविटी यहाँ पर होने वाली। मैम हाँ देखिए ये जैसे सोडियम है, ठीक है ना, सोडियम में हमारे होते हैं 11, तो एक 11 मतलब हमारे पास हमको चाहिए 3 शेल्स, तो 2 और 8 ये लगे हुए हैं और एक हमने यहाँ पे और लगा दिया। तो ये हमारा सोडियम जो है जो कि एटम है, ठीक है ना, तो इस हमारे इस सोडियम के एटम का जो कॉन्फ़िगरेशन अगर बनता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा सोडियम एटम का क्या बनेगा, 281,
281 होता है, ठीक है ना। अब ये जो सोडियम एटम है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये फटाफट जिसको लूज कर लेता है, तो जब लूज करेगा तो ध्यान से देखिएगा, जब भी लूज कर लेगा ये अपना, तो यहाँ से मैं एक हटा रही हूँ, लूज कर रहा है, ठीक है, इट इज लूजिंग। तो इसके साथ साथ क्या हुआ, ये पूरा शेल भी खत्म हो गया। सो अब आप ये बताओगे, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन भी चेंज हुआ, ये वन हटा रही हूँ मैं, 2.8 हो गया अब। सो नाउ इट इज नो मोर एन एटम, इट हैज बिकम एन आयन, ठीक है ना। जब ये आयन हो गया तो इसके पास देखिए 11 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट मींस ये क्या बन गया, ये Na+ बन गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो कुछ इस तरीके से जब होता है कि सोडियम व्हेन इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन, सो 281 से ये 2.8 बन गया। अब ये जो मेटल बहुत, जो मेटल लूज कर जाता है आसानी से, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो जो मेटल आसानी से लूज करेगा वो उतना बढ़िया उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी है, यही हमको ध्यान रखना है। इसीलिए हम बच्चों को बोलते हैं कि मेटल्स दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। तो अब आप यहाँ पे अगर हम लोग इसको दोबारा से देखें, तो क्या आप बता सकते हैं कि जैसे सोडियम है, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया मेटल है। लेकिन जब इसके आप और नीचे जाते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन की दूरी जो है वो और ज़्यादा हो गई पोटेशियम में, क्योंकि फोर्थ शेल में ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये उससे भी बहुत फटाफट लूज करेगा। सो सोडियम इज अ गुड मेटल, अगर हम इसको कंपेयर करें तो पोटेशियम इज उससे ज़्यादा जो है बेटर मेटल। सो नाउ कैन यू टेल मी कि लिथियम और सोडियम में कौन सा बेटर मेटल होगा, मेटालिक प्रॉपर्टी किसकी ज़्यादा होगी, सोडियम की होगी, क्योंकि इसकी दूरी इससे ज़्यादा है। सो दैट मीन्स मेटालिक प्रॉपर्टी एज वी गो डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेज, मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। तो इसी तरीके से नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी को एक बार दोबारा देखते हैं। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग इसमें लेते हैं एक पीरियड, जैसे हमने पहले भी लिया था, तो ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग ने सपोज से ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन दैट मींस 1 और 2 ऑक्सीजन का, अच्छा, सो वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके, सो ऑक्सीजन इज 2.8। अब एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैंड साइड, वॉट हैपन्स, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके जो है 8 ही प्रोटॉन्स होंगे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। और अगर हम इसको आगे बढ़ाएं, हमने नियॉन तक ले गए, ठीक है, हम इसको नियॉन तक ले गए, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास 10 प्रोटॉन्स, ये नियॉन हो गया, सो नियॉन में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देर आर 10 प्रोटॉन्स एंड 10 न्यूट्रॉन्स। सो एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैंड साइड, वॉट हैपन्स, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन टू कम आउट। सो जैसे जैसे जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, सो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत टाइटली हेल्ड हो जाएगा, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर दैट इलेक्ट्रॉन टू कम आउट। तो वो जो है हमारा जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बहुत अच्छे से हेल्ड टुगेदर होंगे, सो वॉट विल हैपन, वो जो है इट विल नॉट बी अ वेरी गुड मेटल, तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ना दिखा के वो इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर दिखाता है। सो एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हैंड साइड, इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर विल इंक्रीज, राइट। सो उसमें जो है हम लोग अगर क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन जो है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे अगर आप ये 3D में इसमें एक बार दोबारा से देखते हैं, 2D में, अब आपके सामने एक मैं सवाल पूछने जा रही हूँ, ये हमारा फ्लोरीन है, ये हमारा क्लोरीन है, ठीक है। अब आपके सामने एक सवाल है कि जो क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसका आप किस तरीके से निर्णय करेंगे। सो एज वी गो डाउन द ग्रुप, देखिए
जो क्लोरीन है Cl, व्हाट विल Cl डू, Cl हैज 287, राइट 287, वो झट एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होता है तो वो बन जाता है क्लोराइड. ओके, अब जो फ्लोरीन है उसमें 17 प्रोटॉन्स होते हैं और 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन क्लोराइड में 17 प्रोटॉन्स और 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हमारा क्लोराइड बन गया. अब एज वी गो डाउन द ग्रुप द साइज इज इंक्रीजिंग, सो क्लोरीन जो है उसका साइज बड़ा है फ्लोरीन से, तो जो फ्लोरीन होगा उसका, क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को वो बहुत जल्दी से अट्रैक्ट करेगा, सो बिकॉज उसका साइज छोटा है, सो देयरफॉर फ्लोराइड जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में एज कंपेयर टू द क्लोरीन. आंसर होगा कि फ्लोरीन जो है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. नाउ चिल्ड्रन, अ लिटिल बिट ऑफ क्विज टाइम, लिटिल ऑफ क्विज टाइम. द क्वेश्चन इज द पोजिशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज ग्रुप 14 और मैंने ग्रुप 17 दिया हुआ है. इसमें मैंने आपको तीन पी क्यू एन आर तीन एलिमेंट्स दिखाए हुए हैं, राइट. स्टेट वेदर पी इज अ मेटल और अ नॉन मेटल. तो ग्रुप 17 दैट मीन्स कहीं यहाँ पे जो है हमारा ये 18 ये 17 ग्रुप है, तो मैंने जो यहाँ पे दिखाया हुआ है वो आपका ये वाला ग्रुप दिखाया हुआ है, ये वाला, दिस इज योर पी आई हैव शोन. सो द क्वेश्चन इज वेदर इट इज अ मेटल और नॉन मेटल. पहले तो आप पोजिशन से ही पता लगा लोगे कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, इजंट इट. तो ये जो पोजिशन है हमारे पीरियोडिक टेबल में, लोकेशन ऑफ ईच एलिमेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू वेदर इट इज अ मेटल और इट इज अ नॉन मेटल. वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाएगा या वो इलेक्ट्रो नेगेटिव दिखाएगा. अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. स्टेट वेदर आर इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन क्यू. अब जो ये है आपका है ग्रुप 14 में, सो ग्रुप 14 जो है वो इधर में है आपका. सो ग्रुप 14 ज्यादा रिएक्टिव है या आपका जो ग्रुप 17 ज्यादा रिएक्टिव है? तो इसका उत्तर अगर हमें देना होगा तो आपको अगेन पोजिशनिंग देखनी है कि यहाँ पे ओनली वन इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है. तो इस तरीके से आपको जो है थोड़ा सा एनालिसिस करके, थिंकिंग करके जो है आपको आंसर्स डेवलप करने हैं. मैं पूछना चाहूँगी कि कितना समय है, उसके हिसाब से मैं अपनी एक्टिविटीज़ आगे करूँ. बिल्कुल मैम, अभी हमारे पास तकरीबन 5 से 6 मिनट का समय है, तो मैं अगर आपके पास अगर इस दौरान अगर कोई भी अच्छी एक्टिविटीज़ है या फिर जो आप समझते हैं 5-6 मिनट में हो जाए तो ज़रूर हमारे स्टूडेंट्स को डिलीवर करते हैं. ओके, तो मैं ये बच्चों से चाहूँगी कि आप लोग ने, जैसे मैंने बताया कि हमने ग्रुप स्टिक्स बनाई, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से घर पर जो है मिट्टी लेके उसमें थोड़ा सा फेविकोल ऐड कर सकते हो ताकि वो टिका रहे, और उससे आप ग्रुप स्टिक्स बनाइए, ठीक है. और ग्रुप आपका जो है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ट्रांजिशन मेटल्स जो बीच में है ये 10 आप अवॉइड कर सकते हैं, 10th में नहीं है. और बाकी हमारा यहाँ से जो है वो शुरू होगा ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18. तो ये ग्रुप स्टिक्स बनाएंगे. और एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है यहाँ पर ये मैं लेकर आई हूँ, देखिए ये पीरियड स्टिक है, ठीक है. तो पीरियड स्टिक जैसे कि आपने अभी हमने डिस्कस भी किया था, हम लोग ने ये वाला पीरियड आपका जो है इसको सेकेंड पीरियड की बात करी थी, इजंट इट, ये वाला जो है लिथियम वाला. सो इस तरीके से, तो ये जो लिथियम है देखिए लिथियम का साइज बड़ा है, फिर आगे बेरिलियम चला, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, जो है फ्लोरीन, और इस तरीके से लास्ट तक पहुँचे. तो बच्चों को आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि लेफ्ट से राइट जाते समय पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, तो आप लोग जो है वो डिक्रीजिंग ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइज के जो है वो आप सर्कल्स गोले बना के कागज़ के रंगीन करके अगर आप दिखाते हैं तो ये कोई सा भी पीरियड स्टिक जो है वो आप उसको दर्शा सकते हो, ठीक है. तो ये आप लोग ज़रूर बनाएं डिफरेंट पीरियड स्टिक्स,
और ये एज एन असेसमेंट भी बहुत काम आ सकता है, तो ये टीचर एजुकेटर्स भी इसका प्रयोग करें और लैब के किसी कॉर्नर में, या मैंने तो क्लास के कॉर्नर में जो है बच्चों को बोलती हूँ कि अगर गमला ही रख लें और गमले में अपना अपना जो है ग्रुप्स ला के रख दें या गत्ते पे ऐसे सजाएं, तो अपना 3D पीरियोडिक टेबल जो है वो ज़रूर बनाएं। और क्योंकि जितना ज़्यादा, जैसे आपको अगर अल्फ़ाबेट्स, नए सेंटेंसेस सीखने होते हैं, तो जब हमें अल्फ़ाबेट्स अच्छे से आ जाते हैं, स्पेलिंग्स आ जाती हैं, सो यू आर एबल टू राइट अ बेटर एसे। सो इसी तरीके से साइंस में, केमिस्ट्री में, अगर हम सारे एलिमेंट्स के बारे में जान लें तो बहुत ही आसानी हो जाती है हम लोगों को जो है कोई भी फॉर्मूला बनाने के लिए। क्योंकि देखिए यहीं से फॉर्मूलाज आएंगे कि अगर हमने लिया ग्रुप वन का यहाँ। अच्छा, और ये सबसे इंटरेस्टिंग तरीका क्या है कि ये जो पीरियोडिक टेबल है हमारा 3D वाला, ये डिसकनेक्ट हो जाती हैं। तो व्हेन आई एम टीचिंग अबाउट द ग्रुप वन, सो आई कैन पिक इट अप फ्रॉम देयर एंड टॉक अबाउट सोडियम। ये वन है तो इसका वैलेंसी वन है। सो जैसे ये हमारा Na है, और इसी तरीके से हमारा ये लास्ट वाला जो फ्लोरीन है, तो Na के साथ अगर मैंने F जोड़ दिया तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन गया। अगर यहाँ पे क्लोजअप दिखाएं, NaF, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना। तो ये जो F है, ये सारे फॉर्मूलेज बनते जाएंगे। KF इज़ अनदर फार्मूला, ठीक है। LIF इज़ अनदर फार्मूला, HF इज़ अनदर फार्मूला। सो इट इज़ सो इंटरेस्टिंग दैट ग्रुप वन जो है वो ग्रुप 17, क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम है, ये आप लोग ने 9वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है। तो इसी तरीके से अगर हम दूसरा यहाँ से पिकअप करते हैं, जैसे कि क्लोरीन, सो HCl बिकम्स अ फॉर्मूला, देन वी हैव सी Li, सो LiCl, NaCl। सो ये हमारे इस तरीके से फॉर्मूलाज भी बहुत आसानी से आप जो है बना पाएंगे, क्योंकि जिनकी वैलेंसी वन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वाले चार्जेस वो जुड़ जाते हैं। तो ये डिटैचेबल स्टिक्स हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जो है क्लास में बच्चों के साथ हम लोग डील करके और इसको पढ़ा भी सकते हैं। बच्चे खुद बनाएंगे और खूब रुचिकर तरीके से जो है वो अपनी साइंस में जो है और रुचि लीजिए, ताकि 11th और 12th में भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे भारत के जो है वो ज्ञान पढ़ें, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। बिल्कुल मैम, और तमाम जो कॉन्सेप्ट आज, जो टर्म्स आज हमने अपनी साइंस क्लासरूम में पढ़े, वो सारे ही इंटरेस्टिंग थे, सारे ही नए थे। थर्ड जो आज हमारा पीरियोडिक टेबल का जो आज हमारा थर्ड पार्ट था, तो मैम सेशन समाप्त होने से पहले एक मेरा क्यूरियस आपसे क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैम, तो क्या हम इसका पार्ट 4 भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं या फिर आज हमारे चैप्टर का यहीं पर एंड था? 10वीं के हिसाब से तो हम लोग ने जैसे ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ में एटॉमिक साइज डील करते हैं वो डील कर लिया, वैलेंसी हमने डील कर ली, हमने मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर के बारे में पढ़ लिया। और यदि मौका मिलेगा तो ज़रूर से और प्रश्नों के साथ जो है और अपने 3D पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा और विस्तार से बताने के लिए ज़रूर मुझे आनंद आएगा। यदि मुझे मौका मिला तो ज़रूर आऊँगी। और यहाँ पे लास्ट में मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी हम कोई सत्र को एंड करते हैं या शुरुआत करते हैं, तो बच्चों को, आपको ये ज़रूर मन में होना चाहिए कि हमने क्या लर्निंग आउटकम्स जो हैं अचीव किए हैं कि नहीं। सो लर्निंग आउटकम्स जो हमारे इस सेशन के बाद बच्चे अचीव कर लेंगे, दे आर दैट द लर्नर एक्सप्लेन्स प्रोसेसेस एंड फिनोमिना सच एज प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कि ये पीरियोडिक टेबल में ये Li यहाँ क्यों स्थित है या Na यहाँ क्यों स्थित है, ये आप अचीव कर पाएंगे। देन लर्नर एग्जिबिट्स क्रिएटिविटी इन डिजाइनिंग मॉडल्स यूजिंग इको फ्रेंडली रिसोर्सेज, एंड लर्नर ड्रॉस कंक्लूजन। आप जो है, यू विल बी एबल टू ड्रॉ कंक्लूजन सच एज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स वेरी पीरियोडिकली अलॉन्ग द ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। तो सेशन इतना इंटरेस्टिंग था, इन्फॉर्मेटिव था, साथ ही मैम आपने लर्निंग आउटकम्स ही हमारे स्टूडेंट्स को बता दी, तो मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इन सारे पार्ट्स, ये जो तीन पार्ट्स हमारे इस चैप्टर के थे, आपने इतने अच्छे तरीके से हमारे लर्नर्स को डिलीवर करा, थैंक यू सो मच मैम। और मैं हमारे दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगी, उम्मीद है कि आपने भी उतनी ही लगन से इस चैप्टर को, जो हमारे सेशन थे, तीन सेशंस को पढ़ा होगा। उम्मीद करते हैं हम इसी तरह आपके लिए सेशंस लाते रहेंगे साइंस के आगे भी, लेकिन फिलहाल हम इस सत्र को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हम जल्द हाजिर होंगे PM विद्या पर अपने एक नए सेशन के साथ। आप देखते रहिए PM विद्या चैनल। नमस्कार।